हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो THSTI की वैकेंसी के बारे में है। अगर आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं तो THSTI ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की ये वेबसाइट पे है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे एक जॉब सेक्शन है, इसके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल करके आएगा जहाँ पे जितनी भी जॉब्स एडवर्टाइज्ड हैं वो दिख जाएंगी। तो एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन और अब्रॉड एप्लीकेंट्स के लिए, सीनियर प्रोफेसर इंडियन एप्लीकेंट्स और अब्रॉड एप्लीकेंट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और JNU PhD प्रोग्राम, ये ऑलरेडी मैं JNU PhD प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी और टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्मल, ये जो रिक्रूटमेंट है ये काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल रही है। तो ऑलरेडी मैंने इसकी डिटेल्स डाउनलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं अब अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए, तो क्योंकि रिक्रूटमेंट यहाँ पे थ्रू एन आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू हो रहा है, तो ये दोनों टेक्निकल असिस्टेंट नॉर्मल और टेक्निकल असिस्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी, तो दोनों के लिए यहाँ पे इसी पेज के ऊपर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 40,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं बताई गई है, ग्रेजुएट होना चाहिए बस आपको। लाइफ साइंस की फील्ड में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन में। जो लैब, जिस लैब में आपको काम करना है वो स्मॉल एनिमल फैसिलिटी लैब है और जो PI हैं वो डॉक्टर अमित कुमार पांडे सर हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, आपने लाइफ साइंस, MLT, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके अलावा आपके पास 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक्स में, मतलब आपको हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे होनी ज़रूरी है। तो अगेन ये जो अच्छे खासी आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, 40,000 रुपीज़ फेलोशिप है। अगेन लैब वही स्मॉल एनिमल फैसिलिटी लैब है और PI हैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे सर। इसके अलावा एनिमल टेक्नीशियन की भी यहाँ पे पोजीशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी एंड एनिमल फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगेन जो सैलरी है वो ₹25,000 है और सेम लैब में और सेम सुपरवाइज़र के अंडर में आप काम कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, outsource.rec1@gmail.com, लेटेस्ट बाय 1/1/2023। अपना CV और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।